2017 का सीबीएसई का 12वीं का एग्जामिनेशन पेपर देख रहे हैं और उसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक 1 मार्क्स का है। पहला है कि यदि कोई 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए और ए एडजॉइंट ए 8 8 0 0 इस तरीके से है तो आपको इसका डिटरमिनेंट लिखना है। अब हम जानते हैं कि जो ए एडजॉइंट ए अगर ये दिया हुआ है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ए एडजॉइंट ए होता है मॉड ए इंटू जो आपकी उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अगर आपको ए आई एन निकालना हो तो वो तो यहां पर दिया ही हुआ है 8 8 या 0 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है 8 1 0 0 1। इसका मतलब ये होता है ना 8 मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद होता है। तो इसका मतलब 8 क्या है? अगर ये आई ये तो आई हो गया, ये 8 क्या होगा? ये मॉड ए, यानी कि मॉड ए जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगला सवाल है आपको वैल्यू के निकालनी है फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। के ऐसा निकालना है जिसके कारण ये जो फंक्शन आपको दिया है ये कंटिन्यूअस हो जाए एक्स इक्वल टू 3 पे। तो इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लिमिट निकालिए इस एफ एक्स की और एक्स टेंड्स टू 3। आप देखेंगे कि एक्स टेंड्स टू 3 है यानी कि एक्स अभी 3 नहीं है, तब आप ये वाला लेंगे, ये एक्स नॉट इक्वल टू 3 पे दिया हुआ है। तो इसको जब हम लेंगे इस तरीके से और यहां पर हम एक्स ये ए स्क्वायर है 36 को आप लिख दीजिए सी 6 स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अब आप जरा एक्स को 3 रख दीजिए, तो जब एक्स को 3 रखेंगे तीन, अब यहां पर आपको इधर अभी 3 नहीं रखना है, जैसे ही अगर आप 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 विल बी 0। आप देखेंगे कि ये वाला जो चीज है यहां पर अभी 3 मत रखिए, ये आएगा एक्स माइनस 3, ये ऊपर वाला एक्स माइनस 3 आ जाएगा और नीचे वाला एक्स प्लस 9 आ जाएगा। तो ये एक्स माइनस 3 कैंसिल करिए, उसके बाद यहां पर आप 3 रखिए तो 3 प्लस 9 आपका आ जाएगा 12। तो आप देखिए कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू 3 पे, यानी जो लिमिट होगी एक्स की 3 पे मतलब एक्स टेंड्स टू 3 पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वही एफ जब 3 रखेंगे तब होगी। तो उसका मतलब यह है कि k आपका क्या आएगा 12, ये चीज 12 होनी चाहिए। एक्स इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू है वो उस फंक्शन की लिमिट उस वैल्यू यानी 3 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने लिमिट जब निकाली तो 3 ये 12 आई और ये k है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो k 12 आ गया आपका। फाइंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान रखें ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं इसे अगर 2 लगा दे तो ये साइन 2x हो जाएगा, ये होता है साइन मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए इसमें तो ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये पहली चीज तो ये है कि हमको ये पता है कि ये होता है कॉस 2x, लेकिन कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो यहां पर क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ ये, तो यहां पर आएगा माइनस कॉस 2x, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x। अब यहां पर अगर 2 लगा दे सामने तो ये साइन 2x हो जाएगा। तो ये cos 2x बाय sin 2x क्या होता है? cos थीटा बाय sin थीटा होता है cot थीटा। तो cos 2x हो जाएगा माइनस, हम जरा बाहर ले लेते हैं माइनस 2 बाहर रहेगा। cot 2x का हम जानते हैं ये तो सीधा लाइन log sin 2x होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है और उसके बाद 2x का डिफरेंशिएट करके नीचे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल माइनस log sin 2x प्लस c, कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ेगा आपको। आपको डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में, कैसे निकलेगा इसके बीच में? अब देखिए पहले तो इसको ये x, y और z फॉर्म में है, यहां पर आपको 5x दिया हुआ है, 2.5y दिया हुआ है, 5z दिया है, मतलब आपको क्वेश्चन में ही एक हिंट दी हुई है कि आप सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2z इक्वल टू 8। अब आपके पास जो डिस्टेंस निकालना है उसका सीधा फॉर्मूला हमारे पास d1 माइनस d2 यानी 8 माइनस 5 वो आ जाएगा 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना होता है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट 9, 4 प्लस 1 प्लस 4 इज 9, अंडर रूट 9 होता है 3, 3/3 आपका 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मॉड में आता है हमेशा डिस्टेंस मॉड में आता है। सेक्शन बी देख रहे हैं इसका, सेक्शन बी में आप 2 मार्क्स के होते हैं इसमें।
अगर ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसकी तीन दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ए इसका जीरो होता है। आप देखें कि एक ए मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका जीरो ए बी, जीरो माइनस ए बी, जीरो यहाँ सी माइनस सी। देखें कि इसके ये जो हमेशा स्क्यू मैट्रिक्स में जो डायगनल मैट्रिक्स होती है वो जीरो होती है। अब यहां पर आप देखें, अगर आप कहें कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ए होगा तो ये माइनस होगा, ये बी होगा तो बी माइनस बी होगा, ये सी होगा तो माइनस सी होगा, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको। यहां पर ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो ये माइनस ए के बराबर आना चाहिए। इसका आप ट्रांसपोज निकाल के देखिए, आपको माइनस ए के बराबर ही आएगा। तो इसका आप देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट ए है, अगर इसका निकालें हम तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं आप किसी भी रो और कॉलम के थ्रू, इसको ओपन कर सकते हैं हम यहाँ के थ्रू ओपन करते हैं। ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, और माइनस ए में ये दोनों आएंगे, मतलब माइनस ए इंटू जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, और माइनस बी इंटू सी मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बी का देखिए, माइनस ए इंटू माइनस सी ए सी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी यानी कि ये जीरो आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इन दिस, ये दो आपको मिले हुए। तो आप क्या करेंगे, ये आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कॉन्टिन्यूस है किसके बीच में, माइनस रूट थ्री इसके बीच में। तो जो एफ माइनस रूट थ्री की वैल्यू है और एफ जीरो की, मतलब इस जगह इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपकी अगर जीरो रख के देखिए, आप रख के देख लीजिए इसको, माइनस रूट थ्री रखिए और जीरो रख के देखिए। मैं जीरो रख के दिखाता हूँ, जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो क्या है आपका, जीरो है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, जरा एफ डैश एक्स निकालिए, यानी कि आपको डेरिवेशन निकालना है इसका, सॉरी डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका मतलब इसके बीच में एक कोई ना कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट करती होगी बीच में इसके, क्योंकि एफ एक्स डिराइवेबल है इसमें, एफ एक्स सेटिस्फाई करता है रोले थ्योरम, हम रोले थ्योरम लेंगे इसमें। तो कम से कम सी इसके बीच में एक जरूर होना चाहिए, ताकि जब हम एफ डैश सी करें, मतलब एफ डैश यहाँ एक्स की जगह सी रखें, वो जीरो रख होना चाहिए। यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सी में, अगर मैं माइनस थ्री में अगर यहां पर सी रख दिया जाए, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो यहां पर हम रख देंगे। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन, सी मतलब माइनस वन, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं, प्लस इसमें नहीं आता है। देखिएगा माइनस रूट थ्री और जीरो के बीच में माइनस प्लस वन नहीं आता है, इसलिए हमने सी इक्वल टू माइनस वन लिया। जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना फास्ट सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर रहा है जब लेंथ इसका एज, लेंथ एज इसकी 10 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता होना चाहिए, सरफेस एरिया उसका पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उस एनसीईआरटी की किताब का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अगर आप सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी आपके इसको सॉल्व करने की। तो समझ लीजिए कि वॉल्यूम को हमने वी माना, डी वी बाई डी टी आपको 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, हमको डी ए बाई डी टी निकालना है, हमको एल जी एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो डी वी बाई डी टी करेंगे, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब। तो ये एल क्यूब, इसका अगर हम डिफ्रेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी, क्योंकि एल का भी करना पड़ेगा, ये 9 के बराबर है। तो डी एल बाई डी टी क्या आ गया, इस थ्री एल स्क्वायर को यहाँ ले जाइए, ये थ्री से कट जाएगा तो थ्री बाई एल स्क्वायर आ जाएगा, तो डी एल बाई डी टी आ गया। अब देखें dA by dt क्या होगा, अब हम एरिया पे आते हैं। तो सरफेस एरिया है 6L square, 6 साइड स्क्वायर होता है, 6L square कितना हो गया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, 6 को बाहर लाइए, L square का 2L होता है, फिर dL by dt। अब dL by dt अभी भी हमने निकाला 3 by L square, इसको यहां रख दीजिए, L से L कैंसिल, लेकिन L आपको 10 दिया ही हुआ है, तो 36 by L यानी कि 36 by 10 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको शो करना है कि ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो कैसे करेंगे इसको, आपके पास एफ एक्स क्या है, ये एफ डैश एक्स क्या है, इसका डिफरेंशियल निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स में आप तीन बाहर ले लीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, ये होगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। देखिए ये थ्री है कॉन्स्टेंट है, ये वन है कॉन्स्टेंट है, ये दोनों ही आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, कोई भी वैल्यू जो स्क्वायर में होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशियल इसका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है।
कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, वो ये है। आपको जेड कोऑर्डिनेट निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, देखिएगा कि ये आपके एक पॉइंट मिला है 2, 2, 1, एक पॉइंट मिला है 5, 1, -2, ये इसका केस 2, 1 में डिवाइड कर रहा है। आपको ये जो आर पॉइंट है, मान लीजिए आर पॉइंट है, उसको कैसे डिवाइड कर रहा है केस 2, 1 में। तो हमको ये पॉइंट कैसे मिलेंगे, इस तरीके से करते हैं इसको 5 × k। मैं एक पॉइंट बताता हूं, बाकी आप समझ जाएगी। 5 × k + 2 × 1 / k + 1, ऐसी 1 × k + 2 × 1 / k + 1, इस तरीके से -2 × k + 1 × 1 / k + 1। ये तीनों पॉइंट हो गए। और x कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है ना, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो 5k + 2 / k + 1, ये चीज को 4 रख दीजिए, k2 आ जाएगा, बाकी आप सारे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। z का निकालना है तो -2 × k की जगह आप 2 रख दीजिए, यहां 2 रख दीजिए, आपको -1 मिल जाएगा। एक डाई है जिसका फेस, हुज फेस आर मार्क्ड एज 1, 2, 3 इन रेड और 4, 5, 6 ग्रीन में है, इसको हमने टॉस किया। हमारा ए इवेंट क्या है कि हमारे पास इवन नंबर आए। बी ऐसा इवेंट है कि नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड, नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड, एक इवन आए एक ऑड आए, तो ये इवन आए और एक रेड आए, तो ए और बी हमारे अलग अलग इवेंट बन गए। हमको बताना है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी ए इंटू पी बी आ जाता है तो ये चीज हम बता सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो देखिए ए ये है 2, 4, 6। अब देखिए कि 2, 4, 6 आपका ए इवेंट हमने माना कि नंबर ऑब्टेन इज इवन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुल मिला के कितने हैं 6, और इसमें इवन कितने हैं 3, 3/6, ये प्रोबेबिलिटी हुई ए की, यानी कि 1/2। ऐसी आप देखिए बी पे आइए, बी क्या है 1, 2, 3, ये आपका बी नंबर ऑप्टेन इज रेड, क्योंकि इसमें दिया ही हुआ है कि जो नंबर है 3, 3 आपके रेड है। अब ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि नंबर ऑप्टेन इज रेड, यानी कि इसमें से होना चाहिए और इवन होना चाहिए, तो इसमें से इवन कौन सा 2 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 2। और पी बी तो हम अभी भी बता चुके कि पी बी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है आपकी, कुल मिला के 6 इवेंट है हमारे पास, क्योंकि एक डाई में 6 नंबर्स होते हैं। अब ये 3 आ सकते हैं, देखिएगा आप ये 3 आपके आ सकते हैं, ये बी 1, 2, 3, मतलब नंबर ऑप्टेन इज रेड, रेड कितने हैं आपके बी 3, तो 3/6 आपके पास पूरा का पूरा आ गया, यानी कि 1/2, तो इसका 1/2, इसका 1/2। अब पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1/6 आ रहा है, यानी 1/6 कैसे आएगा, पी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि हमारे पास केवल एक इवेंट है 2, मतलब एक ही इवेंट है, कुल मिला के 6 हो सकते हैं। तो 1/6 इसकी पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, पी हाफ पी बी हाफ है ना, तो जरा पी ए इंटू पी बी करिए, हाफ इंटू हाफ क्या हो गया 1/4, हाफ इंटू हाफ क्या हुआ 1/4, और ये पी ए इंटू पी बी अगर ये आप बता सकते हैं, ओके मैंने जो पहले बताया था, तो पी ए इसको मल्टीप्लाई करिए, हाफ इंटू हाफ 4 आएगा, ये 1/6 है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है कि नहीं इंडिपेंडेंट है वो यहां से चेक करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके नॉट इक्वल टू आ रहे, मतलब 1/6 और 1/4 अलग अलग है, तो ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। अब दो टेलर हैं ए और बी, 300 रुपए, 400 रुपए पर डे अर्न करते हैं। अब जो पहले साहब है वो स्टिच कर सकते हैं 6 शर्ट और 4 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, जो बी है वो स्टिच कर सकते हैं, जो दूसरे साहब है 10 शर्ट और 4 पेयर वो सिल सकते हैं पर डे। टू फाइंड हाउ मेनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क एंड इफ इट इज डिजायर टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स एट अ मिनिमम लेबर कॉस्ट, फॉर्मुलेट दिस एज एन LPP। तो आपको इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बनाना है। इसका तरीका क्या होगा देखिएगा, इसको पहले तो टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ ट्राउजर, टेलर ए 6 बना सकते हैं 4 बना सकते हैं, टेलर बी नंबर ऑफ शर्ट 10 बना सकते हैं, चाहिए 4 बना सकते हैं, और कुल मिला के इसका कॉस्ट क्या आएगा, वेज जो है 300 रुपए, इसका क्या होगा 400, और टोटल नंबर कितने हैं इसके 60 बनने हैं, इसके 32। तो देखिए कैसे बनेगा ये, आप टेलर ए है टेलर बी है, मान लीजिए एक्स दिन के लिए काम करते हैं और वाई दिन के लिए काम करते हैं, तो ये मतलब जब काम कर रहे हैं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो मिनिमम शर्ट बननी है वो 60 बननी है, मिनिमम शर्ट बननी है 60 बननी है, यानी कि 6 × x + 10 × y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और 4 × x ये आपका
अगर आप इसको इसी को सॉल्व करें, पहले तो मैं इसको बताता हूँ फिर अगले पे जाते हैं। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको सबको 3 से डिवाइड कर लीजिए, या एक काम करें कि 2 से डिवाइड करें अभी, क्योंकि या फिर 10 नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ट्राउजर्स कितनी है, 32, तो 4x प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 32। यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से मिली, एक इक्वेशन यहाँ से मिली, 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दो आ गई आपके पास। अब z पे आइए, अब ये असली चीज है, z आपका टोटल लेबर कॉस्ट कितना है, 300 इंटू x, x दिन काम किया, 400 इंटू y, y दिन इन्होंने काम किया, तो कुल मिला के z कितना होगा, 300x प्लस 400y। तो लीनियर प्रॉब्लम क्या हो गई, z इक्वल टू 300x प्लस 400y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आपको इंटीग्रेट करना है dx बाय 5 माइनस 8x माइनस x स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा। यहां पर इसके बाद क्या करेंगे कि dx बाय ये जो आपका है दिस, इसलिए हमने माइनस बाहर लिया और इसको ऐसे इसको आगे पीछे कर दिया तो माइनस हट जाएगा, तो अंडर रूट 21 का होल स्क्वायर x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी कि ये आपके इस तरह किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इंटीग्रल 1 बाय 2 ऑफ दिस लॉग दिस प्लस दिस बाय लॉग, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा दिस माइनस दिस, प्लस सी कॉन्स्टेंट कर दीजिएगा। तो ये आपका सेक्शन ए और बी हुआ 2017 में जो मैथ्स का पेपर आया था सीबीएसई का। अभी और भी पार्ट बाकी हैं इसके, हम नेक्स्ट डिस्कशन में इसके नेक्स्ट सेक्शन सी और डी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।